एवरीवन, दिस इज भारती। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद भारती। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक टू माय जर्नी, 0 सब्सक्राइबर टू 1K सब्सक्राइबर, और आई थिंक अभी थोड़े से बढ़ भी चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये वीडियो बनाने का कारण ये है बिकॉज आई हैव अ लॉट्स ऑफ कमेंट कि आप इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हो, 0 सब्सक्राइबर टू 1K सब्सक्राइबर। बिकॉज जब लोग नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आती हैं, हमें यूट्यूब बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आई नो कि अभी हमारा यूट्यूब बहुत आगे नहीं बढ़ चुका है हमारा YouTube चैनल, बट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो आज हम इसी बात से वीडियो बनाएंगे, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आज कोई क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं 6 महीने या महीने भर में कभी कभी ऐसी वीडियो लाऊंगी जो मैं आपसे बात करूंगी। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने वीडियो डाली थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जो वीडियो मैंने डाली हुई थी उसमें बहुत लोग ने ये भी कमेंट किया था कि आप मिनी ब्लॉग भी लेकर आ जाइए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप डेली ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दीजिए। सो अभी तो क्या तबीयत थोड़ी ऐसी हो पड़ी हुई है, बट फिर भी जब मैं कैमरा उठाती हूँ तब मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन आ जाती है, और मैं एकदम ऐसे, आप देख सकते हैं ऐसे में तो कोई बीमार दिखेगा नहीं आपको। सो ये सारी बातें होती रहेंगी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लोग के माइंड में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आपको कितना टाइम हो चुका है यूट्यूब स्टार्ट करते हुए। तो मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए पूरा 1 साल हो चुका है, बट जो 1 साल की जो मेरी जर्नी है लिटरली बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ अपडेट हुई है ना 1 साल में। मैंने बहुत कुछ सीखा है ये 1 साल में, यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा है, और जब से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया तब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले तो टाइम मैनेज और थोड़ी रूटीन सुधर गई थी मेरी, क्योंकि मुझे डेली एक वीडियो डालना रहता है, तो वीडियो भी डालना होता था, मेरी स्टडी भी करना होता था, और कहीं आना जाना होता था। तो इन तीनों चीज़ों को मुझे कन्वर्ट करके मेरी रूटीन को प्रॉपरली और हेल्दी रूटीन बनाना था। सो ये चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब जब मुझे जैसे कि जब जब मुझे नींद आती थी तब तब मैं वीडियो बना लिया करती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका होता है। क्योंकि जब नींद आती है तब पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब नींद आती तब हमसे मोबाइल चल जाता है। तो मैंने ये चीज़ को ध्यान में रखा और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जब जब मुझे नींद आती थी तब तब हम वीडियो बनाते थे। तो ये हो चुका है हमारा वीडियो का। और यदि आप यूट्यूब पे काम करना की सोच रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, और जब आप सक्सेस होते जाओगे तब ऑटोमेटिक लोग भी आपके साथ रहेंगे। बट लोगों के साथ रहना है और नहीं रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़िंदगी हमको जीना पड़ता है। आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, लोग भाड़ में जाए मेरी तरफ से। तो ओके, सो यूट्यूब की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, बहुत बुरी भी रही है, बहुत अच्छी भी रही, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कैमरा पकड़ना नहीं आता था, लिटरली बता रही हूँ। मैं बस एक हाथ से कैमरा पकड़ती थी और एक हाथ से मेरा क्रिएटिविटी का काम करती थी, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था। फिर मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया एक रिंग लाइट, जो मेरे पास एक रिंग लाइट है, तो मैं उस पर बनाना स्टार्ट कर दी। और फिर पहले तो मैं हफ्ते में एक वीडियो डालती थी, फिर दीदी लोगों ने बोला कि डेली एक वीडियो डालोगे तभी तुम्हारा चैनल ग्रो होगा। सो आप ये बात हमेशा याद रखें कि डेली एक एक वीडियो डालोगे तभी आपका जो ग्रो का जो चैनल चलेगा वो बहुत जल्दी ग्रो होगा। सो बस यही थी मेरी जर्नी, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस जर्नी में बहुत लोगों ने साथ दिया, जैसे कि मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया इस जर्नी में। वो मुझे बताती थी कि ये नहीं ये क्राफ्ट करो, ये नहीं ये क्रिएटिविटी करो, तो नहीं ये नहीं इसको ऐसा करके ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। तो मम्मी ने हमेशा साथ दिया है मुझे, और कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी बहुत साथ दिया है मुझे। और सेकंड चीज़ ये है कि बस अपनों का साथ होना ज़रूरी है, जो पराए बन के अपना बोलेंगे वो कभी अपने नहीं होंगे, एक बात हमेशा याद रखना। बहुत लोग गए हैं ज़िंदगी से, बहुत लोग आए हैं ज़िंदगी में, बट ये जो जर्नी है इसने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। सो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, ये आपके बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता, मेहनत मेरी थी और रंग आपने लेकर आए। सो जो भी है, जो भी फलाना ढिमका जो जो बोलते हैं, बहुत ज्ञान की बात बोल दी है मैंने। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।